कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शाजापुर में कहा, नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, उनका काम ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है, यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनावी रफ्तार देने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाई कला पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है, एक ओर कांग्रेस, दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी, एक ओर गांधी तो दूसरी ओर गौडसे, एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, दूसरी तरफ मोहब्बत। जहां भी ये जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार जनता के लिए चलना चाहिए, किसी संगठन और एक दो बड़े उद्योगपति के लिए नहीं। पार्लियामेंट में मैंने अडानी की बात उठाई, जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने अडानी की रक्षा के लिए लोकसभा सदस्यता कैंसिल कर दी। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, सरकार किसी संगठन के लिए या एक दो बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मैंने अडानी जी की बात उठाई, भाषण दिया, जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अडानी जी का भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अडानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अडानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अडानी जी दिखाई देंगे। अडानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर राहुल ने कहा, महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की क्या जरूरत है, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे ओबीसी के नेता हैं, कानून आरएसएस और बीजेपी वाले बनाते हैं, बीजेपी के सांसदों को भी इस बारे में नहीं पूछा जाता। कुल मिलाकर पहली बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह केंद्र सरकार पर केंद्रित रहा, वे मध्य प्रदेश के मुद्दों पर ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, शाजापुर।